स्वागत है आप सभी का दोस्तों मेरे चैनल प्रोग्रामिंग विद नितिन में। आज इस वीडियो में मैं जिस सॉफ्टवेयर के बारे में आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं या जिस सॉफ्टवेयर के कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करने वाला हूं, उस सॉफ्टवेयर का नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जैसा कि आप सभी लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज करते हैं, आप सभी लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बहुत अच्छे से जानते हैं। कई लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कई सारे कैलकुलेशंस के लिए यूज करते हैं और कई सारे लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को डेटा एंट्री के काम के लिए यूज करते हैं। सो, जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इतना काम करते हैं और उसके बावजूद भी हम उसके सारे फंक्शंस को यूज नहीं कर पाते हैं, सो, इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक और फंक्शन होता है कि जब भी आप कोई शीट बनाते हैं या कोई डेटा एंट्री का काम करते हैं या कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, सो, अगर आप अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कुछ चीजों को लॉक करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप किसी दूसरे यूजर को जब अपनी वर्कशीट दें या अपनी फाइल दें तो वो सिर्फ उसके अंदर डेटा एंट्री कर सके, उसके अंदर जो फॉर्मूलाज लगे हुए हैं उनमें वो कोई भी चेंजेस नहीं कर पाए, ठीक है, वो सिर्फ अपने डेटा को एंटर करे और सारा जो कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिकली हो जाए। जितने भी फॉर्मूलाज या जितने भी कैलकुलेशंस आपने शीट के ऊपर करे हैं वो किसी दूसरे यूजर को दिखाई नहीं दे, कोई भी अदर यूजर, आपके अलावा अगर कोई और यूजर उस शीट को यूज कर रहा है तो वो सिर्फ डेटा एंट्री का काम कर सकता है, ठीक है, बट वो एक्सेल के शीट के अंदर जो फॉर्मूलाज लगे हैं उसको कोई अदर यूजर एडिट ना कर पाए, चेंज ना कर पाए, ठीक है, वो सिर्फ डेटा एंट्री का काम कर सकते हैं, आपके शीट के अंदर कोई भी चेंजेस वो नहीं कर सकते हैं कैलकुलेशन से रिलेटेड। सो, इस तरह के काम को करने के लिए एक्सेल का एक फीचर होता है टू प्रोटेक्ट द वर्कशीट, ओके। सो, वर्कशीट को आप किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से आप चीजों को लॉक कर सकते हैं, किस तरह से आप चीजों को एडिट करने से बचा सकते हैं अपने एक्सेल के अंदर, इसी चीज के बारे में इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि मैं आपको समझाने की जगह डायरेक्टली इस चीज का प्रैक्टिकल करके बताऊं, तो बिना देर किए हम चलते हैं सीधे एक्सेल के ऊपर और देखते हैं कि इन सारी चीजों को हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं हमारे एक्सेल की वर्कशीट के ऊपर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरा फोल्डर है, ठीक है, ये मेरा एक फोल्डर है मेरे सिस्टम का जो कि एकदम ब्लैंक है। मैं यहाँ पे आपके सामने एक नई वर्कशीट बना रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ से किसी भी जगह पर जाके राइट क्लिक करा, राइट क्लिक करने के बाद मुझे न्यू का ऑप्शन मिला, न्यू के ऑप्शन के अंदर मुझे ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट का ऑप्शन दिख गया, तो मैंने इसके ऊपर एक बार क्लिक कर दिया। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी एक नई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक बन गई है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी शीट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, ये वर्कशीट बन गई है, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट शीट्स, बाय डिफॉल्ट ब्लैंक शीट जो इसके अंदर आती है वो आपको यहाँ पे दिख रही है, शीट 1, शीट 2 और शीट 3। अब यहाँ पे मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप फॉर्मूलाज कैसे पुटअप कर सकते हैं, फॉर्मूलाज को पुटअप करने के बाद आप अपने शीट को कैसे डिसेबल कर सकते हैं, आप अपने शीट के अंदर कुछ कॉलम्स को, कुछ सेल्स को, कुछ रोज को किस तरह से डिसेबल कर सकते हैं, आप अपने फॉर्मूलाज को कैसे एडिट होने से बचा सकते हैं, जब आप अपने फॉर्मूलाज को प्रोटेक्ट कर देते हैं तो उसके अंदर डेटा एंट्री किस तरह से हो सकती है, अगर आप उसे कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, फॉर्मेट करना चाहते हैं, उसका डिज़ाइन चेंज करना चाहते हैं, उसका फॉन्ट साइज चेंज करना चाहते हैं, तो किस कंडीशन में वो चीज़ पॉसिबल है, किस कंडीशन में वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो हम वन बाय वन सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डमी एंट्री कर देता हूँ, सपोज करिए यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम, नेम के अंदर मैंने लिख दिया XYZ1, XYZ2, XYZ3, XYZ4 और XYZ5, ठीक है। सो इस तरह से मैंने यहाँ पे कुछ डमीज एंट्री कर दी हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे कर दिया है मार्क्स, सपोज करिए मैंने इंग्लिश सब्जेक्ट के मार्क्स लिख दिए हैं, ठीक है, फिर हिंदी सब्जेक्ट के मार्क्स लिख दिए हैं, मैंने यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट का नाम लिख दिया, हिंदी सब्जेक्ट का नाम लिख दिया, फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया मैथमेटिक्स, फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया साइंस, फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया सोशल साइंस, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे कर दिया टोटल, फिर यहाँ पे मैंने कर दिया परसेंटेज, और इतनी जो एंट्रीज हैं वो मैंने यहाँ पे फिक्स कर दी हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा दिया है टोटल के अंदर इक्वल्स टू, इसके बाद मैंने यहाँ पे टोटल के कॉलम के अंदर आके हर एक स्टूडेंट का टोटल निकालने के लिए यहाँ पे मैंने सम का फॉर्मूला लिख दिया, सम, सम में मैंने यहाँ पे रेंज सिलेक्ट कर ली है और मैंने ब्रैकेट लगा के इसको क्लोज कर दिया और सेम इसी फॉर्मूला को मैंने नीचे तक कॉपी कर दिया, ठीक है। सो ये मेरा फॉर्मूला यहाँ पे पुटअप हो गया। अब सपोज करिए कि इतना करने के बाद मुझे परसेंटेज निकालना है, तो मैंने यहाँ पे टोटल ले लिया,
टोटल को मुझे डिवाइड करना है, ठीक है। सो मैंने टोटल को डिवाइड कर दिया है 5 से, ठीक है। सो यहाँ पे ये परसेंटेज आ गया है, अभी कुछ भी डेटा एंटर नहीं है इसलिए परसेंटेज 0 दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ डमी डेटा को एंटर कर देता हूँ, मान लीजिए ये आउट ऑफ 100 मार्क्स मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। सो 75, 65, 55, 76, 87, ठीक है, ये मैंने मार्क्स को एंटर कर दिया। अब क्योंकि ये मैं शीट बना रहा हूँ, एक डमी शीट बना रहा हूँ, तो हो सकता है कि कई बार इसमें जो एंट्रीज है वो ज़्यादा भी हो सकती है, कई बार एंट्रीज कम भी हो सकती हैं। सो मैं इसमें कुछ ही डमीज एंट्री कर रहा हूँ और बाकी ये जो शीट है ये मल्टीपल एंट्रीज के लिए फ्री रहेगी, ठीक है। सो इसके बाद मैंने यहाँ पे और भी डमी डेटा को एंटर कर दिया है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे और भी डमी डेटा को एंटर कर दिया है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डमी एंट्रीज हो गई हैं, यहाँ पे हमारे कॉलम्स बन गए हैं, कॉलम्स फिक्स हो गए हैं, यहाँ पे हमारे स्टूडेंट के मार्क्स आ गए हैं, स्टूडेंट के नाम आ गए हैं, टोटल आ गया है, परसेंटेज आ गया। अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये जो शीट है इसके अंदर ये जो टोटल का कॉलम है और ये जो परसेंटेज का कॉलम है, इन दोनों कॉलम को कोई भी एडिट ना कर पाए, कोई भी अदर यूजर आपके अलावा इन फॉर्मूलाज को चेंज ना कर पाए, ठीक है, और बाकी सारी चीजें आप ओपन रखना चाहते हैं, आप सीरियल नंबर ओपन रखना चाहते हैं, आप नेम का जो कॉलम है उसको ओपन रखना चाहते हैं, आप जो मार्क्स के जो सब्जेक्ट के जो मार्क्स के कॉलम है उनको आप ओपन रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बस ये जो टोटल और परसेंटेज का कॉलम है ये जो है ये लॉक हो जाए, इसको कोई भी एडिट ना कर पाए। सो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो शीट में कहीं पे भी ब्लैंक जगह पे आकर कंट्रोल ए प्रेस करना है। कंट्रोल और ए को साथ में प्रेस करने से क्या होगा, ये जो पूरी शीट है ये सिलेक्ट हो जाएगी। कंट्रोल ए का मतलब होता है कंट्रोल सिलेक्ट ऑल, ठीक है। सो कंट्रोल ए करने से क्या हुआ कि मेरी जो पूरी शीट है वो सिलेक्ट हो गई है। जब आपकी शीट इस तरह से सिलेक्ट हो जाए तो आपको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके आपको फॉर्मेट सेल्स में जाना है। जब आप फॉर्मेट सेल्स में आएंगे तो आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन का टैब दिखाई देगा, प्रोटेक्शन के टैब में आके आपको ये जो लॉक्ड है इसको डी सिलेक्ट कर देना है, डी सिलेक्ट करने के बाद आपको ओके कर देना है। तो जैसे ही आप ये करेंगे आपकी जो पूरी वर्कशीट है इसपे से लॉक हट चुका है, ठीक है। अब आपके सारे कॉलम्स जो हैं वो अनलॉक हैं। अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये दो कॉलम्स को लॉक करना है। सो वापस से इन दो कॉलम्स को हम सिलेक्ट करेंगे, इनके कॉलम के नाम के ऊपर क्लिक करके इस तरीके से ये पूरे कॉलम सिलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। अगर आपको इनको एक्सटेंड करना है, इन फॉर्मूलाज को एक्सटेंड करना आगे तक, तो आप इसको एक्सटेंड कर दीजिए, जितना आप एक्सटेंड करना चाहें उतना आप एक्सटेंड कर दीजिए, क्योंकि अगर ये एक बार लॉक हो गया तो इसके बाद इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो आप इसको जितना एक्सटेंड करना चाहें आप उतना एक्सटेंड कर दीजिए। सपोज करिए मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया है, इस फॉर्मूले को मैंने आगे तक फिल कर दिया है, ताकि अगर कोई भी यूज़र डेटा को एंटर करता जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट को, उनके मार्क्स को एंटर करता जाएगा, सो उसका परसेंटेज और टोटल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता जाएगा। फॉर्मूले को इस तरह से सभी सेल्स के अंदर फिल करने के बाद आपको क्या करना है, आपको वापस से दोनों कॉलम के नाम के ऊपर क्लिक करके उसको सिलेक्ट करना है, फिर आपको राइट क्लिक करना है, फिर वापस से आपको फॉर्मेट में जाना है, प्रोटेक्शन पे जाना है, लॉक्ड को वापस से सिलेक्ट करना है। अब आपको ध्यान रखना है कि आपने पूरी शीट से लॉक हटा दिया है, आपने सिर्फ दो कॉलम को लॉक करने के लिए उन दो कॉलम को सिलेक्ट करके ये लॉक्ड के ऑप्शन को वापस से अप्लाई करा है। अब जब भी आप अपनी शीट को प्रोटेक्ट करेंगे सो अब जो लॉक लगेगा वो सिर्फ इन दो कॉलम के ऊपर लगेगा, आपकी बाकी जो शीट है उसके जो कॉलम्स हैं उनके ऊपर वो लॉक नहीं अप्लाई होगा, ठीक है। सो इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको रिव्यू टैब के ऊपर जाना है, रिव्यू टैब के ऊपर जाने के बाद आपको प्रोटेक्ट शीट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोटेक्ट शीट के ऊपर क्लिक करेंगे इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब वो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप क्या क्या चीजें परफॉर्म करना चाहते हैं शीट को प्रोटेक्ट करने के बाद, मतलब कि जब आपकी शीट प्रोटेक्टेड मोड में होगी तब आप उसके ऊपर क्या क्या चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। सो आप सिलेक्ट कर सकते हैं लॉक्ड सेल को, अगर आप ये करना चाहते हैं कि जो भी आपके लॉक्ड सेल है आप उनको सिलेक्ट कर पाएं, सो इस चीज़ को आपको टिक करना है। अगर आप नहीं चाहते हैं तो इसको आपको अनटिक करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके अनलॉक्ड सेल्स जो हैं वो सिलेक्ट हो पाए शीट को प्रोटेक्ट करने के बाद, सो आप इसको टिक कर सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो आप इसको अनटिक कर सकते हैं।
पहले मैं आपको अनटिक करके बताता हूं कि अगर आप इन चीजों को हटा देते हैं, इन चीजों को अप्लाई नहीं करते हैं और आपकी शीट अगर प्रोटेक्टेड हो जाती है तो वो कैसे दिखती है, कैसे वर्कआउट करती है। ठीक है, तो मैंने अभी यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं करा है और मैं यहाँ पे ओके कर रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ गया है अनप्रोटेक्ट का ऑप्शन, आपकी शीट जो है वो अब प्रोटेक्ट हो चुकी है। कैसे पता पड़ेगा हमें? तो एक तरीका है, जब आप यहाँ पे शीट पे कहीं पे भी क्लिक करेंगे, तो क्योंकि मैंने यहाँ पे सिलेक्शन की चीज़ को सिलेक्ट नहीं करा था, सिलेक्शन करने वाले ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करा था, तो देखिए मैं यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं शीट पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं कहीं पे भी क्लिक कर रहा हूँ तो कोई भी सेल जो है वो सिलेक्ट नहीं हो रहा है, चाहे वो लॉक हो चाहे वो अनलॉक हो। क्यों? क्योंकि मैंने जो दो ऑप्शन थे कि आप लॉक्ड सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं, अनलॉक सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं, उनको मैंने अनटिक कर दिया था। सो मैं यहाँ पे किसी भी चीज़ को सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, सो वापस से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो शीट है ये अब प्रोटेक्ट हो चुकी है। अब अगर इसको आपको हटाना है, इस प्रोटेक्ट वाले ऑप्शन को हटाना है, शीट को वापस से इनेबल करना है चीज़ों को एडिट करने के लिए, सो आपको इस अनप्रोटेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। सो जब वापस आप अनप्रोटेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे सो आपकी जो शीट है वो अब वापस से नॉर्मल मोड में आ गई है, एडिटेबल मोड में आ गई है। अब आप क्या कर सकते हैं, आपके ये दो कॉलम लॉक्ड हैं, बाकी सारे कॉलम अनलॉक्ड हैं, आप फिर से अगर इस प्रोटेक्ट शीट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे फिर से पूछेगा कि अब आप क्या क्या करना चाहते हैं। सो इस बार मैं ये सिलेक्ट वाले ऑप्शन को टिक कर देता हूँ और ओके करता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि मैं इन कॉलम्स को सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। ठीक है, सो जब भी आप शीट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको ध्यान रखना है कि आप उसके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, वो आपको वहां पे सिलेक्ट करना है। सो अब मैं इनको सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या मैं परसेंटेज के कॉलम को चेंज कर पा रहा हूँ। सो नहीं, मैं जैसे ही उसके ऊपर डबल क्लिक कर रहा हूँ आप देखिए ये एडिट नहीं हो रहा है, ये मुझे एक एरर मैसेज दे रहा है कि योर शीट इज प्रोटेक्टेड, इट कांट बी एडिटेबल। ठीक है, सो परसेंटेज वाला कॉलम मेरा लॉक है, टोटल वाला कॉलम मेरा लॉक है, जब मैं उसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ सो मैं टोटल वाले कॉलम के ऊपर भी कुछ भी एडिट नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मैं इनमें से किसी मार्क को चेंज करना चाहता हूँ, सो मान लीजिए मैंने 75 को कर दिया है 90, सो देखिए मेरे ये जो मार्क्स हैं ये चेंज हो रहे हैं। ठीक है, और जो टोटल है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है क्योंकि मेरे फॉर्मूलाज वहाँ पे लगे हुए हैं। सो कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो रहा है, बट यहाँ पे फ़ायदा क्या है कि इस शीट को आप अगर किसी और को देते हैं तो वो सिर्फ मार्क्स ही एडिट कर पाएगा, वो आपके फॉर्मूलाज को एडिट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये इस चीज़ का फ़ायदा है, ये फायदा है शीट को प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट करने का। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ और स्टूडेंट्स की एंट्रीज करना चाहता हूँ, सो मैंने यहाँ पे ये कॉपी पेस्ट कर दिया, तो देखिए जैसे ही मैंने इनकी एंट्रीज करी इनके मार्क्स जो है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होते जा रहे हैं। ठीक है, सो ये है लॉक्ड सेल और ये है अनलॉक्ड सेल। ठीक है, सो इस तरीके से लॉक्ड सेल जो है वो प्रोटेक्टेड हो जाएंगे, वो वर्क नहीं करेंगे, और अनलॉक्ड सेल जो है वो वर्क करेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब आपने सिलेक्ट वाले ऑप्शंस को अनटिक करा था तो आप शीट में सिलेक्ट नहीं कर पा रहे थे, इसी तरीके से आप देखिए कि यहाँ पे होम टैब के अंदर आपके सारे ऑप्शंस जो हैं, क्योंकि आपकी शीट अभी प्रोटेक्टेड है तो सारे ऑप्शंस जो हैं वो डिसेबल्ड हैं, आप इनके फॉन्ट चेंज नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो लॉक्ड सेल हो चाहे वो अनलॉक सेल हो, चाहे वो लॉक सेल हो चाहे वो अनलॉक सेल हो, आप इनके फॉन्ट साइज को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, आप इनके फॉन्ट टाइप को चेंज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आप इनका बैकग्राउंड कलर को नहीं चेंज कर पा रहे हैं, सेल कलर को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, फॉन्ट कलर को चेंज नहीं कर पा रहे हैं। सो जब आप प्रोटेक्ट करते हैं शीट को, ठीक है अभी मैंने इसे वापस अनप्रोटेक्ट कर दिया, जब आप शीट को प्रोटेक्ट करते हैं सो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे हमें ये दो ऑप्शन मिले थे सिलेक्ट करने के, तो जब हमने इसको अनटिक करा था हम सिलेक्ट नहीं कर पा रहे थे, जब हमने इसको टिक करा तो हम सिलेक्ट कर पा रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे ऑप्शन रहता है फॉर्मेट सेल का, कि आप सेल को फॉर्मेट करना चाहते हैं, अगर करना चाहते हैं तो आप इसको टिक करिए, आप कॉलम को फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आप इसको टिक करिए, आप रोज को फॉर्मेट करना चाहते हैं, अगर हाँ आप करना चाहते हैं तो इसे टिक करिए। अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी शीट प्रोटेक्टेड हो और फिर भी उसके अंदर रोज और कॉलम भी इंसर्ट हो जाए तो आप इन चीज़ों को टिक कर सकते हैं, बट मैं नहीं चाहता हूं कि कोई मेरी शीट में कॉलम इंसर्ट कर पाए, रो इंसर्ट कर पाए, कॉलम को डिलीट कर पाए, रो डिलीट कर पाए, सो मैं इन ऑप्शंस को यहां पे टिक नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो मैंने यहां पे अभी सिलेक्ट के साथ में फॉर्मेट के ऑप्शंस को टिक कर दिया है, मतलब अगर आप कोई फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं आपकी प्रोटेक्टेड वर्कशीट में तो आप वो कर सकते हैं, और मैंने इसे ओके कर दिया।
अब अगर मैं इनका फॉन्ट साइज चेंज करना चाहता हूँ तो अब आप देखिएगा कि मैं इसका फॉन्ट साइज चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, ये देखिए मेरी ये शीट प्रोटेक्टेड है, फिर भी मैं इसका जो फॉन्ट साइज है वो चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला को एडिट नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं फॉन्ट साइज को चेंज कर सकता हूँ। अगर मुझे कलर चेंज करना है तो मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ, फॉन्ट कलर चेंज करना है तो फॉन्ट कलर भी चेंज कर सकता हूँ, फॉन्ट का टाइप चेंज करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। मुझे अगर बॉर्डर्स अप्लाई करने हैं, यहाँ पे मान लीजिए मुझे बॉर्डर अप्लाई करने हैं तो मैं वो भी कर सकता हूँ। ठीक है, सो फॉर्मेटिंग से रिलेटेड मैं सारी चीज़ें यहाँ पे कर पा रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए ये बॉर्डर अप्लाई हो गया इस तरीके से। ठीक है, सो ये कुछ चीज़ें जो आप करना चाहते हैं शीट को प्रोटेक्ट करने के बाद भी, वो चीज़ें आप यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर आप कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया था कॉलम इंसर्ट करने का, तो मैं कॉलम इंसर्ट नहीं कर सकता हूँ, मैं रो इंसर्ट नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, सो अगर आप वो ऑप्शन भी देना चाहते हैं कि आपकी शीट प्रोटेक्टेड है और कोई कॉलम इंसर्ट कर सके, रो इंसर्ट कर सके, सो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट और अनप्रोटेक्ट शीट को आप कर सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी शीट को, जिस शीट को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसको कोई भी अनप्रोटेक्ट ना कर पाए, ठीक है, उसको कोई भी लॉक अनलॉक ना कर पाए, सो जब आप शीट को प्रोटेक्ट करते हैं सो वो यहाँ पे आपको बोलता है पासवर्ड टू अनप्रोटेक्ट शीट, तो आपको यहाँ पे एक पासवर्ड टाइप कर देना है और ओके कर देना है। ठीक है, फिर से यहाँ पे पासवर्ड कर देना है और ओके कर देना है। सो अब आपकी ये जो शीट है ये बिना पासवर्ड के अनप्रोटेक्ट नहीं होगी। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर कोई यूजर जिसको आपका पासवर्ड नहीं पता है वो इस शीट को अनप्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, सो अब ये जो आपकी शीट है ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, जब तक आपको इसका पासवर्ड नहीं पता होगा आप इसको अनप्रोटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे आपको शीट को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, कॉलम्स को कैसे लॉक करना है, रोज को कैसे लॉक करना है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड कैसे करना है, ठीक है, ताकि आपकी शीट को कोई एडिट ना कर पाए, ये सारी चीज़ें मैंने आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करी हैं। तो दोस्तों इसको आप प्रैक्टिकली करके देखिए, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आके मुझे कमेंट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, किसी चीज़ में अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप क्वेरी भी पूछ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में आके आप कमेंट भी कर सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसे दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है। चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो आएगा आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी सबसे पहले। सो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं सो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए स्टे सेफ। We'll be right back.